नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की 100 बड़ी खबरों से। टाटा मोटर्स ने दिखाई दमदार टाटा सफारी गोल्डन एडिशन की झलक। आमिर खान के बॉडीगार्ड को मिलती है कंपनी के CEO से ज्यादा सैलरी, स्कूल की पढ़ाई भी नहीं की पूरी। किसानों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार सभी फार्मर्स को देगी KCC। पाकिस्तान नए सिरे से भारत में आतंकी हमलों की फिराक में दिख रहा। आज जारी हो सकते हैं नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड, 26 सितंबर होगा एग्जाम, यह कहना है शिक्षा मंत्री का। चोटिल हुआ दिल्ली कैपिटल्स की टीम का यह खिलाड़ी, पूरे टूर्नामेंट से बाहर। पूर्व दिग्गज का जवाब, विराट कोहली एक बार फॉर्म में आ गए तो शतक क्या 13 शतक भी बनाएंगे। नए मामलों में मामूली वृद्धि, 30,000 से ज्यादा केस दर्ज, 17,000 से अधिक मामले केरल के। क्या जवान देखने के लिए सांप का खून पीते हैं अनिल कपूर, एक्टर ने दिया जवाब। कब है परिवर्तनीय एकादशी, आज या कल, जाने सही तिथि एवं पर्ण समय। जलवायु परिवर्तन से बदल रहे अंगों के आकार, गर्म खून वाले जानवरों में देखे जा रहे हैं ऐसे बदलाव। कल है विश्वकर्मा पूजा, जाने तिथि, पूजा मुहूर्त एवं महत्व। कैबिनेट में टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत, 100% FDI को मंजूरी। पोप ने दुनिया से कोरोना का टीका लगवाने का किया आग्रह, कहा वैक्सीन मानवता के मित्र है रोम। COVID-19 महामारी में पेरेंट्स खो चुके स्टूडेंट्स के CA कोर्स फीस, ICAI ने की माफ, देखे नोटिस। CPL 2021 की चैंपियन बनी ड्वेन ब्रावो की टीम, पहली बार जीता खिताब। देश में हर 10वां स्कूली बच्चा नशे की लत का शिकार, एम्स के सर्वे में सामने आई बात। सुधारी जाए स्वास्थ्य बीमा की सेहत, लागू हो वन नेशन वन हेल्थ बीमा पॉलिसी। आखिर सितंबर महीने में क्यों हो रही है रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सामने आए दो प्रमुख कारण। पंजाब कांग्रेस में CM कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ फिर बगावत, 40 विधायकों ने लिखा हाईकमान को पत्र। 2 अरब रुपए से बदलेगी गोरखपुर की सूरत, शहर में बनेंगे 2 नए फ्लाईओवर। दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ का धरना, 57 दिन बाद स्थगित। संयम धर्म देता है आत्मशक्ति बढ़ाने की शिक्षा। 15 दिनों के भीतर रायपुर में निर्माणाधीन नालों को पूरा करवाएं, यह कहना कि महापौर है जो आज ढेबर का। किसी के बारे में बुरा सोचना या कहना भी हिंसा, यह कहना है साध्वी शुभंकरा का। बॉलीवुड फिल्मकारों को आकर्षित करने को छत्तीसगढ़ में मुफ्त शूटिंग। रायपुर के अंशुल ने हासिल किया रैंक 1 में 100% आई। रायपुर में बारिश थमतेगी, छाया गणेश पर्व का उल्लास, 51 किलो लड्डू का भोग। पूर्वजों की मृत्यु तिथि अज्ञात हो तो अमावस्या पर गणेश श्राद्ध तर्पण, जानिए खास बातें। समय पर दफ्तर पहुंचना होगा उपपंजीयक को, नहीं तो खुल जाएगी पोल। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरक्षण को लेकर मचा घमासान। राजकुंद्रा केस में मुंबई पुलिस ने बनाया शिल्पा शेट्टी और शर्लिन चोपड़ा को गवाह, दायर की 1500 पन्नों की चार्जशीट। हनुमा विहारी ने छोड़ी आंध्र प्रदेश की टीम, अब इस टीम के लिए खेलेंगे घरेलू क्रिकेट। बिग बॉस 15 में एंट्री करेंगे तारक मेहता की ये बोल्ड एक्ट्रेस, बिकनी तस्वीरों को लेकर आई थी चर्चा में।
आसिम रियाज के बाद अब क्या भाई उमर रियाज भी बिग बॉस 15 से चमकाएंगे अपनी किस्मत, जोरों पर है चर्चा। प्रदूषण कम करने के लिए टाटा मोटर्स ने लिया बड़ा फैसला, सोलर पावर का करेगी इस्तेमाल। फेस्टिव सीजन से पहले यमहा का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को मिलेगा फायदा। दमदार यमहा YZF R15M बाइक 21 सितंबर को होगी लॉन्च, डुअल चैनल ABS से है लैस। ड्राइविंग के दौरान थकान नहीं होने देते कार के ये चार फीचर्स, लंबा सफर हो जाता है आसान। IPL इतिहास में सबसे ज्यादा इस टीम ने लगाए हैं शतक, CSK पांचवें तो KKR आखिरी स्थान पर। हनुमा बिहारी ने छोड़ी आंध्र प्रदेश की टीम, अब इस टीम के लिए खेलेंगे घरेलू क्रिकेट। IPL में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की पूरी लिस्ट। IPL 2021 से पहले इन 6 टीमों ने बदले अपने 15 खिलाड़ी। CPL 2021 की चैंपियन बनी ड्वेन ब्रावो की टीम, पहली बार जीता खिताब। BCCI ने दी फैंस को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत। 16 सितंबर 2021 का राशिफल, तुला राशि वालों के चले अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। सनस्क्रीन से मिले स्किन को ज्यादा से ज्यादा फायदा, इसके लिए जरूरी है जानना इसे लगाने का सही तरीका। पेट और हार्ट दोनों को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही फायदेमंद है कृष्णा फल। ऑयली स्किन पर मेकअप लगाने से पहले इन 3 चीजों को अप्लाई करें। अमीर गरीब के बीच कितनी गहरी हुई खाई, इस सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। टाटा सन्स के नेतृत्व में नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव, रतन टाटा ने खारिज की अटकल। करियर की शुरुआत में ही आजमाइए फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े ये 5 टिप्स, उज्जवल होगा आपके परिवार का आर्थिक भविष्य। 22,500 रुपए महीने तक बढ़ गई इन कर्मचारियों की सैलरी। जोमैटो स्विगी से खाना मंगाते हैं तो जानिए कैसे महंगी हो सकती है आपकी डिलीवरी। हफ्ते के बीच हुआ सरप्राइज एविक्शन, नेहा बसीन के घर से बेघर होते ही हैरान हुए बाकी कंटेस्टेंट्स। मौत की झूठी खबर पर भड़की सपना चौधरी का रिएक्शन आया सामने, कहा शमिता शेट्टी ने दिव्या अग्रवाल और राकेश बापट के साथ बने लव ट्रायंगल पर दिया ये जवाब। वैम्पायर के शहबानी खान पर बन सकती है स्पिन ऑफ वेब सीरीज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेप्सिको इंडिया के प्लांट का किया उद्घाटन। मैनपुरी में छात्रा खुदकुशी केस में DGP की सफाई से हाईकोर्ट असंतुष्ट, प्रयागराज में ही रुकने का दिया आदेश। ATS ने यूपी से 3 अन्य आतंकियों को भी दबोचा, कई अन्य पर भी नजर। यूपी में किन्नरों के विकास के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड गठित, समाज कल्याण मंत्री बने अध्यक्ष। अमर दुबे की पत्नी की याचिका स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। रेलवे में कैबिन व शंट मास्टर को जल्द मिलेगा प्रमोशन, बनेंगे रेलवे गार्ड। 580 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा, भेजे गए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र। अब हर रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, भौगोलिक आधार पर होगा निर्धारण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी 44 सड़कों की सौगात। रालोद नेता प्रशांत कनौजिया का बड़ा बयान, कहा रालोद की ताकत से खड़ा हुआ है किसान आंदोलन।
लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, बेसिक शिक्षा निदेशालय में कर रहे थे धरना प्रदर्शन। भारतीय वैज्ञानियों ने ढूंढ ली डेंगू की दवा, CDRI लखनऊ में चूहों पर ट्रायल सफल। अफगानिस्तान में मीडिया कर्मियों पर तालिबान का कहर, कई पत्रकारों की हत्या, महिलाओं के लिए नया फरमान। मॉडर्ना का दावा, समय के साथ कम हो जाता है कोरोना वैक्सीन का प्रभाव, बूस्टर डोज की जरूरत। हैती में राजनीतिक उथल पुथल तेज, राष्ट्रपति की हत्या में संदिग्ध प्रधानमंत्री। वैक्सीन सप्लाई के लिए ग्लोबल हब बनने की तैयारी में जुटा इंडोनेशिया, WHO सहित 6 दवा कंपनियों के साथ बातचीत। पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी संगठनों को अमेरिका में मिली जमीन, भारत को अस्थिर करने की साजिश। चीन में भूकंप के तेज झटके, 2 की मौत, 3 घायल, 6 रही तीव्रता। सारा अली खान ने ब्लू बिकनी पहन समुद्र में लगाई छलांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का किया उद्घाटन। क्या नेहा भसीन को सता रही अपनी शादी में खटपट होने का डर। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का जाएंगे मोहन भागवत, जाने कार्यक्रम के बारे में। ओपन शर्ट के बाद शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की इस तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, देख कर आप भी हो जाएंगे दीवाने। तालिबानी नेता मुल्ला बरादर को टाइम मैगजीन में मिली जगह, 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल। 21 नवंबर को होगी सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। रियलमी बैट की भारत में पहली बार सेल, आज मिलेंगे आकर्षक डील, जाने स्पेसिफिकेशंस। यहां चेक करें ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी, जाने कैसे मिलेगा प्रवेश। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद अब पहली बार जम्मू कश्मीर का जाएंगे मोहन भागवत, जाने कार्यक्रम के बारे में। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरक्षण को लेकर मचा घमासान। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के 13 दिन बाद अपना ग्लैमर अंदाज दिखाने पर ट्रोल हुई आरती सिंह, लोग बोले सिर्फी मतलब ही दोस्त। आंखों के ड्राइनेस और तकना फौरन दूर करेंगे ये आसान ट्रिक्स। NCERB की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं व बच्चों के खिलाफ कम हुए अपराध। दिल्ली में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अन्य राज्यों में हाई अलर्ट, पंजाब से पाक समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 4 सदस्य गिरफ्तार। बाढ़ प्रभावित इन राज्यों में शुरू हुई 14 ट्रेनें, चेक करें लिस्ट। मानसून की बारिश से बाढ़ की आफत, ओडिशा और गुजरात समेत कई राज्यों की हालत खराब। निजी हाथों में खिसक गई सरकारी जमीन, कैसे हुआ ये पूरा खेल, जांच शुरू। देश में सीधी फंडिंग से रोके गए 9 विदेशी NGO, 49,000 करोड़ से ज्यादा मिली विदेशी फंडिंग। उल्फा प्रमुख परेश बरुआ समेत 5 लोगों के खिलाफ NIA ने आरोप पत्र किया दाखिल। 3 सेनाओं के प्रमुख जनरल रावत बोले चीन और ज्यादा आक्रामक होकर आएगा सामने। कोरोना के बीच देश के कई हिस्सों में बुखार और डेंगू ने पसारे पांव, यूपी में ब्रज क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित, जाने राज्यों की स्थिति। कोरोना वैक्सीनेशन का 243वां दिन, देश में लगाई जा चुकी 76 करोड़ से अधिक डोज, जाने राज्यों का हाल। 4 बच्चों के पिता बनने के बाद उनकी शादी को लेकर डरे सैफ अली खान, एक्टर को सताने लगी इस बात की चिंता। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।